हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34। ठीक है, वर्कशीट नंबर 34 में हमने क्या पढ़ना है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। सबसे पहले वी हैव टू मैच देम, जो ये है आपका, इसको इनको क्या करना है, मैच। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1/2। तो 1/2 का आपका आंसर क्या आएगा, मतलब 1/2 यहाँ पे कौन सा। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं 100% की बात करूँ तो 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, नहीं होगा। ठीक है, 75/100, क्योंकि 75 का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो 25 3 सा 25 4 सा, तो 3/4 वो भी नहीं हुआ। फिर 50 50/100, तो कितना आ गया, 51 सा 52 सा, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे पास क्या रहेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी। ठीक है, आगे देखो, अब इसने क्या बोला, उसके बाद इसने बोला 1/4 ऑफ 100। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, 1/4 ऑफ 100, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100। ठीक है, तो 4 2 सा 8 देन 5 सा, तो कितना आंसर आया, 25। तो यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके पास 25, यानी कि बी इज इक्वल टू 25। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला, 50%, यानी कि 50/100 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किससे, 1000 से। ठीक है, तो 1000 है सर, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 500। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 500। तो आपका थर्ड का ऑप्शन रहेगा 500। तो यहाँ से ये थर्ड है और इसका आंसर क्या आ गया, 500। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.75। तो 0.75 को जो मैं चेंज करूँगी तो वैल्यू क्या आएगी, 75/100, डेसिमल में चेंज, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, और इंटू 100, तो 100 से 100 गया, कितना बच गया, 75%। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 75%, यानी कि ये। ठीक है, नेक्स्ट, 1 एज अ परसेंट। ठीक है, 1 को परसेंट की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो 1 को परसेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 यानी कि 100। ठीक है, टोटली होता है 100 × 100 1 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 1 को क्या लिख दोगे, 100%। ठीक है, यहाँ से सीधा सा आंसर है हमारा, 1 इज़ इक्वल टू 100%। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, ई। क्लियर है सबको। लास्ट क्वेश्चन आपका, देखो यहाँ से क्या कह रहे हैं, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज़ आपने 10 रुपये की खरीदी, 20 रुपये में बेच दी, कॉस्ट प्राइस कम रह गया, तो क्या होता है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू SP माइनस CP। क्या होगा, SP माइनस CP। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आई आपका क्या होगा, करेक्ट। क्लियर है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। यहाँ पे देखो, गेम ये सबको समझ आ गया होगा, अभी तक लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसने क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे जो ट्राइंगल और ट्रैपेजियम आपको गिवन है, तो वो ट्राइंगल भी, ये ट्राइंगल भी आपके पास 12 है और ट्रैपेजियम भी आपके पास 12 है, तो रेशियो कितनी हो जाएगी, 12:12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द परसेंटेज फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ ट्राइंगल टू ट्रैपेजियम। ठीक है, तो ट्राइंगल से ट्रैपेजियम पूछा है, तो ट्राइंगल रहेगी ऊपर, 12 ही थे, और ट्रैपेजियम आ जाएंगे नीचे, और इंटू 100, तो कितना आ गया, 100%, 12 1 से 12, तो 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 36, यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, आउट ऑफ 36 शेड्स ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम, यहाँ पे देखो 12 पैरेललोग्राम है, इनको काउंट करूँगी तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके 12 पैरेललोग्राम, इसको आपने क्या कर लेना, करेक्ट। ठीक है, तो इसने बोला टोटल आपके पास 36 है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, बाय में टोटल और इंटू 100। ठीक है, तो 12 3 जा, तो कितना आ गया, 100/3, 100/3 को क्या लिख सकते हो, 33 × 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट। क्लियर, आगे आ जाओ। इसने बोला मधुबाला आर्ट बोर्ड फॉर रुपीज़,
250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 150, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया, ब्रोड यानी कि खरीदना, खरीदना यानी कि सीपी, सीपी आपको दे दिया 250 और एसपी आपको दे दिया 150। ठीक है, तो ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दी तो क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो यहाँ से लॉस कितने का आ गया, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी कितना है 250, तो 250 में से 150 गया 100 रुपीज़ का। उसकी परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, अगर मैं परसेंटेज निकालूंगी तो कितना होगा, लॉस बाय सीपी, सीपी कितना है 250 और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ से 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, ये 5 2 ज़ा, तो कितने परसेंट का बेटा, 20 2 ज़ा 40, 40% का आपको क्या हुआ लॉस, 40% का आपको क्या हुआ लॉस। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला ए मंडला आर्ट शेप ऑफ ट्राइंगल रोम्बस पैरेललोग्राम स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ 10, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम एट मंडेला। उसने बोला रोम्बस से लेके किसकी पैरेललोग्राम की, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बीच में, सबसे बीच में ये रोम्बस है तो 36। ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है, पे देखो बेटा रोम्बस आपके पास कितना है 36, रोम्बस आपके पास कितना है 36 और टोटल आपके पास कितनी है 72 और इंटू 100, तो यहाँ से 2 और ये आपका 50, तो कितना आ गया 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा करेक्ट। क्लियर, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 34, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।